हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये क्रिप्टोग्राफी क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसे यूज किया जाता है, इन्हीं सारी बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी इसका मतलब है कि कोई एक फाइल जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए एक सिक्योर्ड वे को यूज करना। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल के लिए एक्स मान लो और किसी दूसरा आदमी है उसको आप एग्जाम्पल के लिए वाई मान लो। ओके, अब मैं कुछ फाइल को जो है वाई के पास भेजना चाहता हूं। मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्स को मैं एक्स हूं और दो आदमी वाई है, तो मैं उसको कुछ डेटा भेज रहा हूं। तो भेजने के टाइम पे मैं नहीं चाहता कि जो डेटा मैं भेज रहा हूं वो किसी दूसरे आदमी के हाथ लग जाए, मतलब किसी तीसरे आदमी के हाथ लग जाए, सॉरी कोई और आदमी के हाथ लग जाए, ताकि हमारा जो डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो लीक ना हो। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे, हमें उस डेटा को सिक्योर करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? दोस्तों, इसके लिए यूज होता है क्रिप्टोग्राफी। और दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी में क्या किया जाता है कि आप किसी को कोई डेटा भेज रहे हो और उसी दौरान जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, मतलब वो मशीनी लैंग्वेज में जाए, और जो डेटा जा रहा है वो सिर्फ वही आदमी खोल पाए जिसे आप भेज रहे हो। एग्जाम्पल के लिए वाई ही खोल पाए, मतलब वाई को आप भेज रहे हैं तो वाई सिर्फ उस डेटा को खोल पाए, कोई एबीसी कोई और आदमी जो है वो उसे ना खोल पाए। तो यही होता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में मैंने आपको बताया कि एक सिक्योर्ड वे को यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर मैं मेरे दोस्त को कोई एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता हूं, तो मैं एक सीक्रेट मैसेज को लिखने के लिए कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे कि मैं अगर ए बी सी डी, इसको एबीसीडी ना लिख के ए के जगह पे वन है, बी के जगह पे दो है, सी के जगह पे थ्री है, इस तरह से भी तो मैं किसी मैसेज को लिख सकता हूँ। तो इस तरह से लिख के भी मैं अगर उस दोस्त के पास उस मैसेज को भेजता हूँ, तो मेरा जो दोस्त है उसको ये पता चलेगा कि मैं क्या लिखा हूँ। किसी तीसरे आदमी को ये इस बारे में नहीं पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली वहां पे लिखा क्या है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसका डिक्रिप्शन क्या है। मतलब इसे इंक्रिप्शन कहते हैं, मैंने जो कर दिया, मेरा जो वर्ड था, जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ हाई, तो हाई का जो वर्ड था उसको मैंने इंक्रिप्ट करके 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने उसे लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो मैं जिसको मैंने भेजा उसको उसको इसे पता लगा। अगर कोई बीच में जो मिडिल मैन, मैंने जिससे भेज रहा हूं उस मैसेज को, अगर वो उस मैसेज को देख भी लेता है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है। ओके, तो इससे क्या होगा, इसे ही हम इंक्रिप्शन कहते हैं। और यही चीज होता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी में। दोस्तों, अगर मैं इंटरनेट की दुनिया की बात करूं, तो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ा है, आपको पता है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रेवल करता है। तो अगर ये सिक्योर्ड ना हो तो कोई भी आके उस डेटा को वहां से उड़ा लेगा, तो ये तो कुछ अच्छी बात नहीं, इसलिए यहाँ पे यूज होता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी को। अगर मैं यहाँ पे बैंक की सर्वर्स की बात करूं, या फिर कुछ सिक्योर सर्वर्स जो है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, वहां पे आपने देखा होगा कि जो HTTP लिखा हुआ होता है, जहां पे उस HTTP की जगह पे वहां पे लिखा हुआ क्या रहता है, HTTPS, मतलब कि HTTP सिक्योर्ड। तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन आप बना रहे हो सर्वर से आपके कंप्यूटर तक, जो कम्युनिकेशन बन रहा है वो बहुत ही सिक्योर्ड एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसे हैक नहीं किया जा सकता, हैक तो किया जा सकता है, पर इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई भी ऐसे ही आपके डेटा को लेके उड़ा नहीं सकता, आप समझ रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि HTTPS से क्या होता है कि वो सिक्योर्ड है, और HTTP सिक्योर्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल सा एक वेब ब्राउजिंग है और HTTPS सिक्योर्ड है। यहां से अगर मैं बैंक की बात करूं, तो अगर एग्जांपल के लिए मैं किसी दूसरे आदमी को पैसे भेज रहा हूं, जैसे कि मैं वाई को पैसे भेज रहा हूं, अगर कोई तीसरा आदमी आके हमारे दोनों के अंदर इंटरफेयर करेगा, और मैं एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए भेजना चाहता हूं, मैंने दबाया 500 रुपए, उसने क्या कर दिया, मिडिल मैन ने क्या कर दिया कि 500 रुपए को 5 लाख रुपए कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा नुकसान हो गया। तो इसको ही रोकने के लिए यहाँ पे HTTPS सिक्योर्ड, मतलब HTTP सिक्योर्ड को यूज किया जाता है। और यही होता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल चीज है, इसका नाम ही से अलग है, इसे इंक्रिप्शन का ही एक और
नाम आप इसे समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं साथ करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल रहेगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ जहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकल किया था और एक थियोरिटिकल वीडियो भी है, तो आप दोनों वीडियो को जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।